साथियों, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो निशान की मैग्नाइट की डिलीवरी नहीं होने के कारण काफ़ी चिंतित है? क्योंकि आपने जब निशान की मैग्नाइट को बुक किया था, तब जो आपको अनुमानित जो डेट बताई थी डिलीवरी डेट, वो निकल चुकी है, उससे ज़्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन शोरूम वाले अभी तक आपको कार डिलीवर नहीं कर पाए हैं और ना सही से जवाब दे पा रहे हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा लंबी वेटिंग इसमें चल रही है, लेकिन साथियों, यदि आपने शुरुआत में ही इसको बुक कर लिया है तो वेटिंग है तो वो तो दूसरों के लिए है, क्योंकि शुरू में आपको पहले ही उन्होंने ये बता दिया था कि भैया आपको लगभग 20 दिन 25 दिन बाद में कार मिल जाएगी, और उससे कहीं ज़्यादा दिन हो चुके हैं फिर भी आपको कार नहीं मिल रही है। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आप अपनी निशान की जो मैग्नाइट बुक करवा चुके हैं और आपको डिलीवरी की डेट भी निकल चुकी है, तो आपको क्या उपाय करने चाहिए ताकि वो इस चीज़ को सीरियसली ले शोरूम वाले और आपको कार डिलीवर करें। साथियों, कभी कभी क्या होता है, कुछ जगह पर वो पहले अन्य जो चहेते ग्राहक होते हैं या फिर कुछ अन्य कारणों के चलते आपका नाम पीछे छूट जाता है और अन्य लोगों को मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो संभावना है वो भी हो सकती है। इसके अलावा भी कुछ संभावनाएं हो सकती है, जैसे मान लीजिए कि आपका जो बुक किया वेरिएंट है वो शायद इस प्रकार का वेरिएंट हो जिस पे कंपनी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, जैसे कि बेस मॉडल यदि आप बुक करवा रहे हैं तो निश्चित तौर से कंपनी उसकी डिलीवरी बहुत कम करती है। खैर, मुद्दे की बात यह है कि आपको जो डिलीवरी की टाइम था वो निकल चुका है, आपको गाड़ी नहीं मिली है, तो सबसे पहले तो आपको शोरूम में ही उनसे संपर्क करना चाहिए। इवन यदि आप फ़ोन पर संपर्क कर रहे हैं तो उसके बाद आपको शोरूम में जाना चाहिए और जाकर संपर्क करना चाहिए और उनको अच्छी तरह से बताना चाहिए कि मुझे गाड़ी क्यों नहीं मिल रही है, मैं बहुत इंतज़ार कर रहा हूँ इसका, लेकिन वो कुछ समय का और आपसे टाइम पीरियड लेंगे कि 10-15 दिन बाद आपको मिल सकती है। खैर, उसके बाद आपको कंपनी से संपर्क करना चाहिए, शोरूम की बात आप ना माने, आपको कंपनी से संपर्क करने के लिए आप उनकी वेबसाइट पर जाके फीडबैक दे सकते हैं। उनमें आप बता सकते हैं कि भाई ये चीज़ें हैं, मुझे इतने दिन हो गए, डिलीवरी का जो टाइम था वो भी निकल गया है, उसके बावजूद इतने दिन और हो गए और मुझे गाड़ी नहीं मिल रही है, कृपया कुछ उपाय करें, और इस प्रकार की बातें आप लिखोगे तो वो उनका जो कस्टमर केयर है वो काफ़ी स्मूथ है और तुरंत आपको रिप्लाई आएगा उसका। यदि आप कॉल करेंगे तो भी आएगा और यदि आप मेल करते हैं उनको तो भी आएगा। इसके अलावा जो एक उपाय है वो सबसे ज़्यादा प्रभावी हम उसे मान सकते हैं, वो है सोशल मीडिया पर विभिन्न प्रकार के अकाउंट कंपनियों ने अपने अपने बना के रखे हैं, तो विशेष रूप से यदि आप ट्विटर यूज़ करते हैं तो आप ट्विटर पर जो कंपनी का ऑफिशियल अकाउंट है वहाँ संपर्क कर सकते हैं, उनको टैग करके ये लिख सकते हैं कि भाई ये क्या चीज़ हो रही है, इतने दिन बाद भी मुझे गाड़ी नहीं मिली, जबकि मैंने बुकिंग किया तब मुझे कहा गया कि आपको इतने दिन बाद मिल जाएगी, लेकिन उससे दुगना समय हो गया या इतने दिन ज़्यादा समय हो गया। तो सोशल मीडिया पर जैसे ही आप ये लिखेंगे तुरंत आपको वापस उनका रिप्लाई आएगा, ये तय है। तो वहाँ पर जब आप सोशल मीडिया पर उनसे बातचीत करेंगे, चाहे मैसेज के थ्रू करेंगे, तो उनको आप बताएंगे अपनी समस्या, तो वो निश्चित तौर से तुरंत क्या करते हैं कि शोरूम से आपकी बात करवा देते हैं कॉन्फ्रेंस करके, और वो पूरी तरीके से आपको उनको जो है अपनी बात बताएंगे। तब कहीं ना कहीं ऐसा उनके मन में आएगा कि भाई अब इनको गाड़ी देनी ही पड़ेगी, तो ऐसा हो सकता है कि वो यदि आपकी गाड़ी पहले आ चुकी है और किसी अन्य को दे दी अपने लाइनिंग वाले को, तो फिर वो प्रयास करेंगे कि अगली जो भी गाड़ी शोरूम में आती है आपके वेरिएंट की, तो वो आपको सबसे पहले डिलीवर करें, क्योंकि आपकी जो डिलीवरी डेट है वो पहले काफ़ी पहले निकल चुकी है। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है साथियों, यदि आपको लगता है कि वेटिंग और आपके साथ अन्याय नहीं हुआ है क्योंकि जो गाड़ियाँ हैं वो कम ही डिलीवर हो पा रही है, तो आपको और इंतज़ार करना चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि जानबूझ करके शोरूम वाले आपके साथ ज़्यादा डिले कर रहे हैं, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। और ये जो मैंने उपाय बताया है ये मेरा पर्सनल अनुभव भी एक्सपीरियंस भी है, मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जब मैंने रेनो की ट्राइबर खरीदी थी उस समय मेरे साथ ऐसा हुआ था। उस समय ट्राइबर की वेटिंग है वो 25 दिन की चल रही थी, उन्होंने मुझे बताया कि 25 दिन बाद आपको गाड़ी मिलेगी, लेकिन मुझे 40 दिन बाद भी गाड़ी नहीं मिली, तो फिर मैंने जो है वेबसाइट पे संपर्क किया और उनसे ट्विटर पे संपर्क किया, तो ट्विटर पर जब मैंने ट्वीट किए 2-3, तो उसके बाद मुझे काफ़ी हेल्प हुई और अगले 5-7 दिन में मुझे गाड़ी डिलीवर कर दी, और उन्होंने विशेष प्रयास किए, मैं जोधपुर का रहने वाला हूँ, लेकिन उन्होंने फिर जो ड्राइवर मेरी जो वेरिएंट मैंने बुक किया था वो कोटा से ला करके और उन्होंने मुझे डिलीवर किया। तो कहीं ना कहीं जब शोरूम वाले कुछ लाइजनिंग के चलते अन्य लोगों को गाड़ियां देते रहते हैं और अपने को टरकाते रहते हैं, तो ये उपाय काफ़ी कारगर हो सकता है। आशा करेंगे ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो अच्छी गाड़ियां होती है वो काफ़ी मुश्किल से मिलती है, काफ़ी ज़्यादा वेटिंग इंतज़ार भी वो करवाती है, लेकिन जैसा कि कहा गाड़ी बेहतर है तो थोड़े इंतज़ार का मज़ा लीजिए, क्योंकि इंतज़ार का फल मीठा होता है। आप सब यहाँ तक आए, इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।